Good morning, my dear students. Yesterday we read about the Indian number system, and today we will read about the abacus and Indian number system again. So let's start. Whenever we write 7-digit number, we write it under a method. For example, 7654543. This is a number of 7 digits. 7 ones, 6 tens, 500s, 4000s, 5 10000, 4 lakh, 3 10 lakh. Ones is denoted by O, tens is denoted by T, hundreds is denoted by H, thousands is denoted by TH, 10,000 is denoted by TTH, lakhs is denoted by L, 10 lakh is denoted by TL. Crore is denoted by C and 10 crore is denoted by 10C, TC. For example, and represent the following numbers on the abacus. Firstly, 63842, given a number. 2 under ones, 1, 2. This is called beads. 4, 1, 2, 3, 4. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. In the same way, rest is in the same way. So, please try it. And second sum, write the number represented by the abacus. Ones, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. एंड लैक है हमारा जीरो. तो यहाँ पर वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैक. वंस, टेंस, हंड्रेड को हम वंस के पीरियड में रखते हैं, सेवन एंड फाइव को थाउजेंड के पीरियड में रखेंगे. इसलिए यहाँ पे जब एक पीरियड ख़त्म हो जाता है तो क्या लगाया जाता है, कोमा. आप सबको याद होगी ये चीज़. एंड नाउ राइट द नंबर नेम्स इन द इंडियन नंबर सिस्टम. 14269, ये कैसे आया हम देखते हैं. 14269 जो था हमारा, उसको हमने 9 को वंस, 6 को टेंस, 2 को हंड्रेड्स, 4 को थाउजेंड, 1 को 10,000 के से डिनोट किया. एंड वंस, टेंस, हंड्रेड का जो हमारी डिजिट्स होती हैं उनको हम वंस के पीरियड में लेते हैं, थाउजेंड एंड टेन थाउजेंड थाउजेंड्स के पीरियड में लेते हैं. तो यहाँ पर जो हमारा एक पीरियड जब भी ख़त्म हो जाता है तो उसके बीच में क्या आ जाता है, कोमा. इट मींस 14 के बाद इन्होंने क्या लगा दिया, कोमा. तो ये क्या बन जाएगा, 14269. सो यू विल ट्राई इट. रेस्ट सम्स इज सेम. तो आप लोगों को फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड सम जो है नोटबुक में करना है अच्छे से. दैट्स इनफ फॉर टुडे. द रेस्ट We'll read tomorrow. Thank you so much.